सन 541 ईस्वी में एक जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल के किनारे पहुंचा। ये जहाज अनाज और अन्य सामान लाया था बाइजेंटाइन साम्राज्य के राजा जस्टिनियन को श्रद्धांजलि के रूप में देने के लिए। लेकिन जहाजियों को यह पता नहीं था कि कुछ प्लेग भरे चूहों ने भी मिस्र में उनके साथ सवारी पकड़ी थी। जैसे जैसे प्लेग से संक्रमित नाविकों ने कॉन्स्टेंटिनोपल के नागरिकों के साथ मिलना जुलना शुरू किया, बीमारी फैलने लगी। ये प्लेग, जो बाद में प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से बुलाया गया, शहर को तबाह कर दिया और अपने चरम पर एक ही दिन में 10,000 से अधिक लोगों की जान ली। इतनी आसानी से फैला कि जल्द ही पूरे यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका और अरब तक पहुंचकर कुछ ही समय में 10 करोड़ लोगों को मार दिया, जो उस वक्त दुनिया की आधी आबादी थी। आगे चलते हैं। 1347 में जब ब्लैक डेथ पूरे यूरोप पर छा गया और केवल 4 वर्षों में 20 करोड़ से अधिक लोगों की जान ली। 300 साल 1965 तक यूरोप में हर दशक में वापस आकर सैकड़ों को और मारता रहा। हर बार 20% आबादी की जानें खतरे में थी। इसी तरह 15वीं शताब्दी में चेचक, स्मॉल पॉक्स के कहर ने मैक्सिको और अमेरिका के रेड इंडियन आबादी को 95% से घटा दिया। वर्ल्ड वॉर 1 की समाप्ति के ठीक बाद स्पैनिश फ्लू ने दुनिया में 2 से 5 करोड़ लोगों को मारा। मुंबई में भी उस समय लाखों मरे। बताने का मकसद ये है कि महामारी कोई नई बात नहीं, हम अरसों से उसका सामना करते आए हैं, मगर झेलने के तरीके बदलते रहे। जस्टिनियन का प्लेग तब रुका जब मरने के लिए कोई बाकी ही नहीं रहा। यूरोप के ब्लैक डेथ को हराया गया खुद को अलग रखकर, क्वारंटाइन के जरिए। 1750 के करीब भारत में ब्रिटिश डॉक्टर जे जेड हावेल ने पहली बार टीकाकरण की एक गावटी प्रथा देखी, जो बड़े पैमाने पर कुछ देशों में इस्तेमाल हुआ करती थी। स्मॉल पॉक्स संक्रमित लोगों के फोड़ों को कूट कर पाउडर किया जाता था, जिसे फिर स्वस्थ लोगों की चमड़ी में हल्के घावों में रगड़ते थे, इस उम्मीद से कि हल्की बीमारी हो और वे कुछ दिनों के बाद चेचक से हमेशा के लिए बचे रहे। एक प्रणाली जिसे वेरियोलेशन बुलाया जाता है। लेकिन 30 सालों के बाद 1996 में ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनेनर ने चेचक वायरस को कमजोर करके दुनिया का जब पहला टीका बनाया, तब से रोग हमेशा के लिए काबू में आया। अकेले 20वीं सदी में ही हमने कई घातक बीमारियों के लिए टीके खोजे, जैसे पर्टुसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, मीजल्स और रुबेला। ये टीके इतने असरदार थे कि पोलियो जैसी बीमारी चट से दुनिया से गायब हो गई। लेकिन उन दिनों स्मॉल पॉक्स का टीका कारखानों में नहीं बल्कि इंसानों में बनाया जाता था। हाथ में सुई चुभाने के हफ्ते बाद एक दाना उगता था, डॉक्टर उससे पस निकालते थे और यही वैक्सीन थी जो दूसरे आदमी को लगती थी। अंग्रेज ये टीका 1800 में हिंदुस्तान लाना चाहते थे, एक मानव श्रृंखला या आम टू आम के माध्यम से। यात्रा में किसी एक को टीका लगाया गया, उसके दाने का टीका किसी तीसरे पर, इत्यादि, ताकि बॉम्बे पहुंचने तक एक टीका जीवित रहे, मगर ये असफल रहा। हालांकि 2 साल बाद ये आम टू आम सिलसिला सफल रहा, जब बसरा से जहाज 14 जून 1802 के दिन एक जीवित नमूना लेकर बॉम्बे पहुंचा। 3 साल की एना डस्टहॉल नामक एक ब्रिटिश नौकर की बेटी हिंदुस्तान की धरती पर चेचक टीका लगवाने वाली पहली शख्स बन गई। उसके दाने के पस से 5 और बच्चों को टीका दिया गया और धीरे धीरे 1807 तक 10 लाख से अधिक भारतीयों को टीका मिला। जैसे जैसे ज्ञान और प्रौद्योगिकी अधिक कुशल हुई, हम टीके की खोज और उसके उत्पाद में बेहतर और तेज होते गए। कुछ विशेषज्ञ भविष्यवाणी देते हैं, ये शायद दुनिया की आखिरी बड़ी महामारी हो सकती है, मगर आज की तारीख में भी किसी वैक्सीन को बनाने में लगभग 4 से 5 साल लगते हैं। हालांकि इस मामले में टीका बहुत तेजी से निकल रहा है। कोरोना वायरस के बारे में एक अच्छी बात यह है कि रोग सार्स और मर्स से 80% संबंधित है और उन दोनों पर हमारे पास पहले से ही बहुत सारे शोध हैं, इसलिए बुनियाद से अनुसंधान शुरू करने की आवश्यकता नहीं। कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से महीने के भीतर हमने बीमारी का पता लगाने और उसकी ताकत तोड़ने के तरीके ढूंढ लिए हैं, हालांकि इलाज अभी नहीं निकला है। वैक्सीन तैयार करवाना थोड़ा और जटिल है। आमतौर पर किसी भी नवीन वायरस की वैक्सीन की खोज एक पूर्व क्लिनिकल प्रणाली से गुजरेगी, जहां पहले इंसानों और पशु कोशिकाओं पर परख की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये सक्रिय रूप से नुकसानदेह नहीं। यदि ये परीक्षा सफल रही, तभी मानव परीक्षण शुरू किया जाता है, जो 3 हिस्सों में आयोजित होता है। पहले में 50 हट्टे कट्टे वॉलंटियर को टीके की एक हल्की खुराक दी जाती है। फेज 2 में खुराक की ताकत बढ़ा दी जाती है और स्वयं सेवकों की संख्या भी सैकड़ों में हो जाती है। फेज 3 में हजारों लोग शामिल होते हैं, जिन्हें अधिकतम सहनशील खुराक दी जाती है। ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में 50,000 से अधिक लोगों के साथ मानव परीक्षण में है।
ताकि बुजुर्गों और अलग जनजाति पर भी वैक्सीन का असर देखा जा सके, जिनका इम्यून सिस्टम हो सकता है अलग तरह से प्रतिक्रिया करे। लेकिन रिकॉर्ड समय में तीनों फेज पूरा करवाने के लिए दवा कंपनियों को कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं। मिसाल पर लीजिए ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका का इंसान कसौटी ट्रायल, जहां कोरोना वायरस जानबूझकर वॉलंटियर्स को दिया जाता है ताकि वैक्सीन की क्षमता का परीक्षण किया जा सके। आमतौर पर फेज 3 ट्रायल में प्रतिभागियों को या तो टीका दिया जाता है या तो प्लेसिबो, जो सिर्फ खारा पानी है और कुछ नहीं, जिसमें कोई दवा नहीं होती। इसे डबल ब्लाइंड ट्रायल कहा जाता है, क्योंकि ना तो स्वयंसेवक और ना ही डॉक्टर ये जानता है कि किसे टीका मिला और किसे प्लेसिबो मिला। फिर उन्हें अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने के लिए कहा जाता है। इस समय के दौरान यदि उनमें से कोई भी वायरस के संपर्क में आता है तो टीके की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। हालांकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ट्रायल में अधिकांश प्रतिभागी युवा और स्वस्थ हैं, जो खुद अपने बल पर ही वायरस का मुकाबला करने में सक्षम है। तो ये बुजुर्गों या उन लोगों पर काम कैसे करेगा जिन्हें दूसरी भी बीमारियां हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, अस्थमा या डायबिटीज, हमें वैक्सीन के निकलने के बाद ही पता चलेगा। दुनिया को वैक्सीन की इतनी जरूरत है कि लगता है कुछ भी चल सकता है। यहाँ तक कि FDA भी हताशा दिखा रहा है। टीका अगर 50% भी काम करेगा तो भी मंजूरी देंगे। लेकिन क्या ऐसी वैक्सीन महामारी को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होगी? सबसे पहले तो चिकित्सा कार्यकर्ता जैसे डॉक्टर, नर्स और कल्याण कार्यकर्ता जैसे पुलिस अधिकारी और बुजुर्गों को टीका मिलेगा। अगर ये मानते हुए चलें कि 2021 में 10 में से केवल 6 लोगों को टीका लगाया जाएगा, तो इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन को 80% काम करना चाहिए। यदि ये सिर्फ 70% काम करेगी तो फिर ज्यादा लोगों को टीका लगाने की आवश्यकता होगी, वरना प्रसार सिर्फ धीमा होगा, बंद नहीं। फाइजर्स और मॉडर्ना का वैक्सीन जो 90% तक प्रभावकारी है, उम्मीद से कहीं बेहतर है। अब तक 178 टीकों की जाँच जारी है, जिनमें से 27 मानव परीक्षण चरण में है, जिनमें से 11 फेज 3 में। वे सभी 5 बुनियादी तकनीकों में से एक का उपयोग करके टीका विकसित कर रहे हैं। सिनोवैक सहित 18 अक्षम वायरस विधि, जहां वायरस की ताकत कमजोर की गई, जिसने सल्क पोलियो, MMR और रेबीज में सफलतापूर्वक काम किया। 77 सोनिफी ग्लास्को स्मिथ क्लाइन की तरह पूरे वायरस का ही नहीं, बल्कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे दाद, शिंगल्स और HPV के टीके में किया गया। 84 एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की तरह ट्रोजन हॉर्स विधि का उपयोग कर रहे हैं, एक वायरस का स्पाइक प्रोटीन को दूसरे वायरस की सेल में डालना। सामान्य सर्दी के एडिनो वायरस को कमजोर करके उसका उपयोग करते हुए वो इम्यून सिस्टम को सूचित करने की कोशिश कर रहे हैं, उर्फ वायरल वेक्टर विधि। 16 इनोवो की तरह प्रतिरक्षा प्रणाली को सचेत करने के लिए कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के DNA कोड का एक हिस्सा उपयोग कर रहे हैं, जिसे DNA प्लास्मिड विधि कहा जाता है। जबकि फाइजर्स और BioNTech की तरह 23 और वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन DNA की बजाय RNA कोड के साथ। ऐसी विधि पहली बार मॉडर्ना थेरेप्यूटिक्स ने की, जब केवल 42 दिनों में ही एक वैक्सीन तैयार करके इंसानों में ट्रायल के लिए तैयार किया, एक प्रक्रिया जिसमें पहले सालों लग जाते थे। आमतौर पर टीका बनाते समय निर्माता एक प्रयोगशाला में बड़े पैमाने पर वायरस विकसित करते हैं, फिर वे उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं ताकि वे बीमारी न फैला सके। लेकिन इतनी ताकत जरूर रखते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली उस घुसपैठिए को पहचान सके और सीख ले कि उससे कैसे लड़े। RNA वैक्सीन अलग है, क्योंकि इसमें कमजोर या अक्षम रूप से वायरस नहीं होता है, बस RNA का स्ट्रेंथ कोड जो उस बीमारी के लिए विशिष्ट है। हालांकि अब तक किसी भी RNA वैक्सीन को मानव उपयोग के लिए अनुमति नहीं दी गई है। वैसे इस दौड़ में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर्स और मॉडर्ना है। रूस के स्पुतनिक ने केवल 76 लोगों पर वैक्सीन टेस्ट करने के बाद अपने टीके को मंजूरी दी। जैसे चीनी कंपनियां कैनसिनो बायोलॉजिक्स और सिनोवैक बायोटेक ने भी तीसरे फेज परीक्षण से पहले किया था। ना तो रूस, चीन और ना ही अमेरिका गैवी का हिस्सा है। 170 से अधिक देशों का एक वैश्विक गठबंधन, जिसका उद्देश्य है कि सभी देशों को वैक्सीन मिले, भले ही वो कितने ही अमीर या गरीब हो। हालांकि कुछ धनी देश अपने लोगों के लिए टीकों के बड़े स्टॉक पहले से खरीद रहे हैं, देश की आबादी से कई गुना ज्यादा। भारत दवाई उत्पादन में माहिर है, जिस वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनियां वैक्सीन के निर्माण के लिए हमसे हाथ मिला रही हैं। डॉक्टर रेड्डी रूस के स्पुतनिक 5 टीके के साथ, भारत बायोटेक थॉमस जेफरन यूनिवर्सिटीज के साथ, UK की ऑक्सफोर्ड और स्वीडन स्थित एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट और SK बायोसाइंसेस के साथ, बायोलॉजिकल ई जॉनसन एंड जॉनसन के साथ, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ग्रिफिक विश्वविद्यालय ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के साथ। अन्य भारतीय कंपनियां अपने दम पर वैक्सीन विकसित करने की प्रक्रिया में, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला का जाइकोविड डी, दोनों ने सफलतापूर्वक फेज 3 ट्रायल में प्रवेश किया है, जबकि जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल जल्द ही शामिल करने की योजना बनाई है। हालांकि सिर्फ इसीलिए कि टीका विकसित किया गया है, बड़ी संख्या में संदूषण के बिना इसे बनाना भी बड़ी चुनौती है। उत्पादन फिर भी जल्दी से हो जाएगा, मगर वैक्सीन के रसद और वितरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
जिससे प्रभावी रहने के लिए उसे 0 डिग्री से नीचे रखने की आवश्यकता है। आरएनए सहित वैक्सीन को 6 महीनों तक चलाने के लिए -20 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच स्टोर करना पड़ता है। ये भारत की क्षमता से बाहर है, जो ज्यादातर सिर्फ +2 और 8 डिग्री सेल्सियस का है, जहां वैक्सीन सिर्फ 5 दिनों तक चलेगी। जिसका मतलब यह है कि टीका उपलब्ध भी हो, फिर भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और भारत के हर एक 130 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने के लिए शायद 2024 तक का समय लग सकता है। याद रहे, पोलियो का वैक्सीन 1955 में निकला था, लेकिन भारत को 60 साल लग गए 2014 तक, जब वो बीमारी को मिटा पाया। इसके ऊपर ये वैक्सीन इंट्रावीनस है, यानी इंजेक्शन से लेना होगा, और हर किसी को इसे लेने के लिए चिकित्सा सुविधा में जाने की आवश्यकता होगी। इससे मुद्दा ये उठता है कि क्या देश में पर्याप्त पलंग और रेफ्रिजरेटर है, फिर बिजली की अनियमित आपूर्ति और लोगों को टीका देने का तरीका भी सिखाना होगा। फिर बात आती है खर्च की। सीरम और भारत बायोटेक वैक्सीन की 2 खुराक की आवश्यकता होगी, जबकि कैडिला के टीके की 3। हालांकि भारत में विकसित टीकों की इससे भी सस्ते होने की संभावना है। अगर 20% आबादी 26 करोड़ लोगों को पहले साल में वैक्सीन मिले, तो उसका खर्च अकेले 11,000 करोड़ होगा। सिरिंज, कांच की शीशियां, परिवहन, भंडारण और प्रशासन की लागत जोड़ें, तो देश का कुल खर्च 20,000 करोड़ पार कर सकता है। HIV एड्स वायरस के लिए 40 साल बाद तक ना तो कोई टीका है और ना ही कोई इलाज। हालांकि इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। वैसे 2021 में निश्चित रूप से एक नहीं बल्कि कई टीके और अरबों डोज उत्पन्न होंगे। तब तक मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें। बिस्बो की शायरी, महामारी ने कर दिया है मानव को तंग, बस टीके से ही जीतेंगे कोरोना से जंग। जुटे हुए साइंटिस्ट हैं, शीघ्र बने वैक्सीन, कोरोना का खत्म करे जो जीन और प्रोटीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।